ये मूवी काफी सारे लोगों को चुभने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें पाकिस्तान का असली चेहरा जो दिखाया गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा बेल बॉटम मूवी के बारे में, जो इसकी लेंथ है तकरीबन 2 घंटे की। इस मूवी को डायरेक्ट किया रंजीत तिवारी जी ने और इसमें कास्ट है अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, वानी कपूर, लारा दत्ता और भी बाकी अन्य कलाकार। ये जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। भारत के बाहर पहली बार रो ने एक सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किया था। 1980s का जब दौर चल रहा था, प्लेन हाईजैक हो रहे थे और इसके पीछे जो पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान एक तरीके से दोस्ती का मुखौटा पहन के बैठा हुआ था, लेकिन ISI ये सारे काम करवा रही थी। और ये जो ऑपरेशन हुआ था वो दुबई में हुआ था। और इस मूवी के दौरान मतलब कि एंड में हमें बताया जाता है कि जो बेल बॉटम है वो एक्चुअल में हुआ करता था, रो के अंदर एक कोडनेम हुआ करता था। और ये जब ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, मिराज ऑपरेशन, तो इस ऑपरेशन के दौरान सभी पैसेंजर को सही सलामत भारत लाया गया था और इसके अंदर जितने भी रो के एजेंट शामिल थे उनको भी सही सलामत वो घर पर वापस आते, मतलब कि भारत में वापस आते। आई नो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्पॉइलर आपको मिल जा रहा है, लेकिन इन जैसी मूवीज के बारे में बात के बिना रह नहीं जाता, क्योंकि यार मतलब अंदर से गूज़बम्प आ जाते हैं जब इस मूवी को देखते हैं, इसके बारे में जब बात करते हैं। केवल एंटरटेनमेंट के पर्पस पे इस मूवी को मत देखो, इसमें यह देखो कि यार इसमें हमारे देश के जो एजेंट हैं, रो एजेंट हैं, वो कैसे काम करते हैं। उनको कोई मेडल नहीं मिलता, उनको कोई पहचान नहीं मिलती, बावजूद इसके वो देश के लिए जीना और मरना चाहते हैं। इस बात को जरा फील करके देखो कि एक इंसान जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और उसे कहा जाता है कि देखो इस काम के लिए तुम्हें कोई भी पहचान नहीं मिलेगी, तुम्हारा नाम बाहर नहीं आएगा, और बावजूद इसके उनके अंदर कितनी देशभक्ति होती है, वो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ये बात बोलते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। ये सब चीजें हमें इस मूवी में जब देखने को मिलती है, एक्चुअल में हमने कितनी सारी ऐसी मूवीज भी देखी है जो हमें ये सब दिखाती है कि हमारे देश के जो एजेंट्स हैं, रो के एजेंट्स हैं, वो अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उनके लिए अपना देश सबसे बड़ा है। काफी सारे लोगों को इस मूवी से दिक्कत हुई है, वो ज्यादातर इस मूवी के लिए एक वर्ड जो है वो जिंगोइज्म, ये वर्ड यूज कर रहे हैं। दरअसल इसका मतलब होता है अंधराष्ट्र या फिर मारने की प्रवृत्ति रखने वाले, यानी एक तरीके से पेट्रोइज्म से काफी ज्यादा। ये लोग तो कुछ भी कर जाएंगे अपने देश के लिए, एक दूसरे देश को कुछ भी नहीं समझते हैं, बस ये लोग पागल हैं अपने देश के लिए, अंधे हैं। तो ये ऐसा भारी भरकम सा वर्ड यूज करते हैं इन जैसी मूवीज के लिए जिसमें राष्ट्र प्रेम दिखाया जाता है। अब इन बेवकूफों को नहीं पता होता है कि राष्ट्रप्रेम क्या होता है। और दूसरा रीजन इनका ना पसंद करने का वो ये भी है कि इसके अंदर पाकिस्तान को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, पाकिस्तान को बेचारा नहीं दिखाया गया उसमें। इस मूवी के अंदर इसकी असली औकात या फिर असली चेहरा इसमें दिखाया गया है कि भाई साहब ये कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, खैर अपना ही खून है, अपना ही बेटा, आने वाले टाइम में अपने बाप के पास आएगा। ये मूवी की बात करूं तो देखो फर्स्ट हाफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसके अंदर इमोशनल एंगल हमें देखने को मिलता है, इसमें जैसे तरीके की स्टोरी डेवलप की गई है फर्स्ट हाफ के अंदर हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं, मूवी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। सेकंड हाफ में हमें एक्शन देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा इंगेजिंग है, मुझे पर्सनली ये चीज पसंद आई। हाँ काफी कह सकते हैं कि यार इसमें अक्षय कुमार ये हर बार ऐसी मूवीज लेके आते हैं राष्ट्रधर्म के ऊपर, राष्ट्रप्रेम के ऊपर, तो यार मुझे तो इसमें कोई बुराई लगती है नहीं। ओवरऑल मूवी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है, कहानी को अच्छे से डेवलप किया गया है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 stars। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर जिन्होंने नहीं देखी जाकर देखिए, अपने बच्चों के साथ जाकर देखिए इस मूवी को, क्योंकि यार देखिए जिस तरीके का वातावरण आज की डेट में हो रहा है, बचपन का प्यार, जाने में जाने मैंने ऐसे ऐसे सॉन्ग को बच्चे गा रहे हैं, तो उनके अंदर कैसा बिहेवियर पनपेगा आप जरा सोच के देखिए। कभी वो अच्छे राह पे तो चलने वाले हैं नहीं, अगर ऐसी ही चीजों में वो चले जाएंगे तो आपको जरूरत है कि यार ऐसी चीजें, ऐसी मूवीज अपने बच्चों को दिखाएं, एट द एंड उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, वो देश के लिए कुछ करने के लिए, बनने के लिए वो सोचेंगे, उनके अंदर वो भावना जागृत होगी। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर इस मूवी को देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।